हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, आप लोग OMR शीट को किस पेन से भरेंगे, उसके साथ साथ हम बात करेंगे आप लोगों का कितना प्रश्न रहेगा। और आप लोग बता रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं, उसके साथ हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल कागज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने का आदेश है या फिर नहीं, उसके साथ साथ बात करेंगे कि आप लोगों का रफ कार्य मिलेगा या फिर नहीं, जगह मिलेगा कि नहीं, ठीक है। उसके साथ हम बात करेंगे आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, ये अभी तक पता नहीं है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग एक एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग वालों के। देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग वालों को पढ़ना होता है कि मैथ पढ़ना होता है, ठीक है, लिख लेता हूँ मैथ। उसके बाद आप लोगों का केमिस्ट्री पढ़ना होता है, उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स पढ़ना होता है, उसके साथ साथ जो आप लोगों का एक चीज़ बढ़ाया गया है मैथ, ठीक है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मैथ में आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चन रहेगा, और आप लोगों का फिजिक्स में भी 40 क्वेश्चन रहेगा, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी आप लोगों का 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा और 3 घंटा में आपको 160 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग आगे बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग मेडिकल के ऊपर। देखिए, मेडिकल के लिए पढ़ना होता है बायोलॉजी, उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मैथ, ओके। देखिए, बात को समझिएगा, ठीक है ना। बायो में आप लोगों का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स में आप लोगों का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और केमिस्ट्री में भी 40 और मैथ में भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर भी टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा आपको इन सारे क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OMR शीट को किस पेन से भरेंगे। तो बात करते हैं OMR शीट के ऊपर, ठीक है। अगर हम लोग OMR शीट के ऊपर बात करें तो इसमें आप लोगों का 2 पेन आप भर सकते हैं, एक तो नीले, दूसरे आपका काला। और दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा बुद्धि दिखाने जाओगे कि हम लोग लाल से भरेंगे, है ना, तो लाल से आपको भरना नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग लाल से भर भी देते हैं तो आप लोग का रिजल्ट जो है पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको कौन कौन पेन से भरना पड़ेगा, एक तो नीला या फिर काला, ठीक है, समझ में आ गया। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कितना प्रश्न रहेगा। तो मैंने एग्ज़ाम पैटर्न में जब बात करी थी, यहाँ पर ही बता दिया टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा। तो फिर से बात बता देता हूँ, आप लोगों का टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है तो कितना है वही बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आप लोगों का 0.25 नंबर काटा जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अच्छे से समझकर करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए तो फिर भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, अगर आप लोग गलत कर देते हैं तो आप लोगों का 0.25% आप लोगों का काटा जाएगा। इसीलिए सोच समझ कर आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। दोस्तों, अगर छोड़ना तो मैं छोड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, और नहीं भी आता तो आप पर डिपेंड करता है आप करोगे या फिर नहीं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल कागज या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने का आदेश है या फिर नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, अगर ले जाने का आदेश होगा तो आप लोग, ये अन्याय है, ठीक है, अन्याय के खिलाफ है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा नहीं। आप लोग कभी भी मोबाइल कागज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है कि रफ कार्य के लिए जगह मिलेगा या फिर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, रफ कार्य के लिए आप लोगों को जगह दिया जाएगा। दोस्तों, देखिए, रफ कार्य की बात करें तो आप लोगों का मैथ में ज़्यादातर ये काम आता है, ठीक है, मैथ में आप लोगों का ये ज़्यादातर काम आता है इंजीनियरिंग वालों के लिए, ठीक है ना। इसीलिए ये कार्य आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं कह दूँ, एग्ज़ाम डेट आप लोगों का आ चुका है, 26 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक ना। और आप लोगों का अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और आपका वक्त आप लोगों से ज़्यादा नहीं, आज आप लोगों का तारीख हो चुका है बहुत ही ज़्यादा। इसलिए पढ़ने में मन लगा कर पढ़िए, और इस चैनल के माध्यम से जितना होगा मैं करूँगा। तो इस वीडियो में मैंने जितना भी बताया, इन सारी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इन सारी चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, ठीक है।
और मैं क्या ही कहूँ, यही कहना था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।